दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सिलावादी और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल मैजिकल इंग्लिश गुरु। आज आपके इस चैनल में हम लेकर आए हैं एक ऐसा सेंटेंस, एक ऐसा वाक्य जिसका अक्सर हम प्रयोग करते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता है कि हमें इंग्लिश कैसे बनानी है, इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। और उस सेंटेंस में अक्सर बोलते हैं या उस सेंटेंस में हम अक्सर कहते हैं ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऐसे वाले वाक्य। देखिए, ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें, अगर हम कहें कि तुम्हें डॉक्टर की सलाह लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा, तुम्हें डॉक्टर की सलाह लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा, मतलब ऐसे वाक्य जिसमें हम कहते हैं ज़्यादा अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ऐसे जब हम सेंटेंस बोलते हैं तो उसका अंग्रेजी वाक्य कैसे बनाएंगे, उसको हम अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, उसकी इंग्लिश कैसे लिखेंगे, कैसे हम बोलेंगे, ये सारी ही चीज़ें आज यहाँ पर क्लियर होने वाली है। मीन्स आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि हमें इंग्लिश में इसको कैसे लिखना होता है, कैसे बोलना होता है। कई बार आप देखे होंगे, आपने पढ़ा होगा यूज़ ऑफ हैड बेटर, यूज़ ऑफ हैड बेटर। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इसी यूज़ की, जिसकी हेल्प से हम सीखेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, तुम्हें डॉक्टर की सलाह लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसे प्रिंसिपल से अनुमति मांगना ज़्यादा अच्छा होगा या ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसे प्रिंसिपल से अनुमति मांगना ज़्यादा अच्छा रहेगा, तुम्हें हरी के पास जाना या तुम्हारे लिए हरी के पास जाना ज़्यादा ठीक रहेगा। मतलब ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे वाक्य जिसमें ये चीज़ आती है, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा ठीक रहेगा, ज़्यादा बेहतर होगा, ऐसी जब बातें आएंगी किसी सेंटेंस में तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हैड बेटर का, हैड बेटर का यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स, हैड बेटर का मतलब ही होता है ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, ऐसे जब वाक्य आएंगे तो वहाँ पर हम हैड बेटर लगाएंगे। हैड बेटर कैसे लगाएंगे फ्रेंड्स, इसके लिए जो रूल है, रूल ये है कि सब्जेक्ट और उसके साथ लगाना है हैड बेटर। ठीक है, सब्जेक्ट, फिर हैड बेटर, और फिर हमें लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स जो भी हैं वो यूज़ कर देना है। तो आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या करना है, सब्जेक्ट यूज़ करना है, देन हैड बेटर लगाना है, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। और इस तरह से अगर हम ये चीज़ करते हैं, इसके बाद अगर कोई और वर्ड है तो अदर वर्ड्स का भी यूज़ हम यहाँ पर करेंगे, प्लस डैश 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 मीन्स अदर वर्ड्स। अब फ्रेंड्स, हम यहाँ पर एग्जांपल समझते हैं पहला वाला। ठीक है, तुम्हें डॉक्टर की सलाह लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा, तुम्हें डॉक्टर की सलाह लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ फ्रेंड्स देखते हैं, पहले हम जो पहला वाला सेंटेंस है उसको हम ट्रांसलेट करके देखते हैं। अब समझने की कोशिश करते हैं कि जो यहाँ पर रूल बताया गया है वो कितना कारगर है, या वो कितना आसान है, कितना समझ में आ रहा है, या उसको हम कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। तुम्हें डॉक्टर की सलाह लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो सबसे पहली चीज़ आती है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू यूज़ सब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट क्या है भैया, सब्जेक्ट है तुम्हें, तुम्हें मीन्स तुम, तो यहाँ पर यू। ठीक है, रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है, तो आपको अगला चीज लिखना है हैड बेटर, तो यू हैड बेटर। ध्यान ये देना है कि कभी भी यहाँ पर टू का यूज़ गलती से भी नहीं करना है, हैड बेटर के बाद कभी भी टू का यूज़ नहीं होगा, मीन्स देर इज़ नो यूज़ ऑफ इन्फिनिटिव आफ्टर हैड बेटर, हैड बेटर के बाद कभी भी इन्फिनिटिव का यूज़ नहीं होता। इन्फिनिटिव का मतलब होता है वर्ब के पहले टू लगाना, तो कभी भी हम हैड बेटर के बाद वर्ब के पहले टू का प्रयोग नहीं करेंगे, ये चीज़ हमको विशेष ध्यान रखना है। तो यू हैड बेटर,
अब इसके बाद क्या करना है, डॉक्टर की सलाह लेना। अब देखिए, देखने में और सुनने में टू लगाना ज़्यादा अच्छा लगता है। कई बार होता है कि हम नहीं लगाए होते हैं तो हमें लगता है नहीं सर शायद गलत है, क्योंकि गलत लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे गलत है। तो यू हैड बेटर और डॉक्टर की सलाह लेना, टेक डॉक्टर्स एडवाइस। यू हैड बेटर टेक डॉक्टर्स एडवाइस, तुम्हें डॉक्टर की सलाह लेना ज्यादा अच्छा रहेगा। अब यहां पर देखिए, यू हैड बेटर, अब यहां पर कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग यहां पर सोचते हैं कि टेक है, इसके पहले अगर टू लगा दें ज्यादा अच्छा लगता है। भैया ज़्यादा अच्छा अंदाज के ना लगाना, क्योंकि अंदाज के ज़्यादा अच्छा लगाने चक्कर में बहुत गड़बड़ हो जाता है। तो यहाँ पर हमें टू नहीं लगाना है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। हमने इसको पहले भी बता दिया है कि कभी भी हैड बेटर के बाद, जहाँ भी हैड बेटर होगा उसके बाद हम टू का यूज़ नहीं करेंगे। ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके पहले टू का यूज़ नहीं होगा। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा आपको कि हमें कैसे करना है, तुम्हें डॉक्टर की सलाह लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देख लेते हैं एक और सेंटेंस। अभी हमने बात किया था एक दूसरे सेंटेंस की, या कोई और सेंटेंस भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है वही सेंटेंस, कोई और सेंटेंस भी ले सकते हैं, ठीक है। उसे मोहन के पास जाना ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसे मोहन के पास जाना ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसका मोहन के पास जाना ज़्यादा ठीक रहेगा, इस टाइप का सेंटेंस। तो अब सबसे पहले क्या लगाना है, हमें सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट है उसे ही, ठीक है। और अब सब्जेक्ट के बाद क्या करना है, हैड बेटर, ही हैड बेटर, और बेटर के बाद क्या लिखना है हमें, हमें लिखना है वर्ब। तो ही हैड बेटर गो, कहाँ जाना है, मोहन, तो टू मोहन कर देंगे। ही हैड बेटर गो टू मोहन, उसे मोहन के पास जाना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा ठीक रहेगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो फ्रेंड्स आपको रूल समझना है सिर्फ इतना सा कि सब्जेक्ट के बाद हैड बेटर लगाना है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। इसके अलावा आपको कोई और चीज़ यूज़ नहीं करनी है, मीन्स आपको टू का यूज़ नहीं करना है वर्ब के पहले। अब इसके बाद एक एग्जांपल हम लोग और देख लेते हैं और हमको समझ में आ जाएगा कि भैया करना कैसे। एग्जांपल और देख लेते हैं, तुम्हारा इन नियमों को याद करना ज़्यादा ठीक रहेगा। ध्यान दीजिए, तुम्हारा इन नियमों को याद करना ज़्यादा ठीक रहेगा, तुम्हारा इन नियमों को याद करना ज़्यादा ठीक रहेगा। करना क्या है भैया, सबसे पहले करना है सब्जेक्ट, मीन्स सब्जेक्ट लिखना है। यू हैव टू राइट द सब्जेक्ट एट फर्स्ट एट द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस। सो तुम्हारा यू और ज़्यादा ठीक रहेगा, इसके लिए हम क्या लगाते हैं भैया, इसके लिए लगाते हैं हैड बेटर। तो यू हैड बेटर, ठीक है, तुम्हें ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या ज़्यादा अच्छा रहेगा, इन नियमों को याद करना। और अब हमें पता है कि बेटर हैड बेटर के बाद क्या लगाते हैं, वर्ब लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यू हैड बेटर लर्न, क्या लर्न करना है, इन नियमों को। तो दीज रूल्स, You had better learn these rules. तुम्हारा इन नियमों को याद रखना या तुम्हारा इन नियमों को याद करना ज़्यादा ठीक रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जो ये नियम है आपको समझ में आया होगा। अगर नियम आपको समझ में आया हो तो मैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, ताकि ऐसे ही हर रोज़ हम आप तक ऐसी ही वीडियोज़ पहुँचाते रहें। और खास बात एक और है कि अगर आप हमारी लाइव क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, लाइव ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं, जिसमें ऑनलाइन क्लास बिल्कुल ऑफलाइन की तरह होगी और मैक्सिमम 30 स्टूडेंट्स का बैच होगा, तो अगर आप चाहते हैं तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हर रोज़ लाइव क्लास के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा। मिलते हैं फिर से एक ऐसी ही रोचक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।